हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो YT। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कनेक्शन स्ट्रिंग का अनडिफाइंड एरर आता है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं या फिर अगर आपने थंबनेल में भी देखा होगा, हमको एक मोंगूस का एरर आता है जिसमें एरर मैसेज कुछ इस तरीके से रहता है, द यू आर आई पैरामीटर टू ओपन यू आर आई फंक्शन मस्ट बी स्ट्रिंग गॉट अनडिफाइंड। तो इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं और ये एरर हमको देखने क्यों मिलता है, या फिर अगर आप मेरा कोई भी मॉन स्टैक का प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या पता आपको भी ये एरर देखने मिल जाए। सो इसको कैसे फिक्स करेंगे इन केस अगर आपको आता है, तो देखिए ये एरर मोस्टली आ रहा है कि हमारा जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल है या फिर जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो इसको नहीं मिल रहा है। इसके बदले यहाँ पे जो स्ट्रिंग उसको मिल रहा है, यानी जो आपने वैल्यू पास की है वो है अनडिफाइंड। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊँ कनेक्शन जेएस की फाइल, तो ये हमारी डीबी डॉट जेएस की फाइल जिसमें हम मोंगो डीबी डेटाबेस के साथ में इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी डेटाबेस से हम कनेक्ट हो रहे हैं। इसमें हमने क्या किया हुआ है, डायरेक्टली जो है एक एनवायरमेंटल वेरिएबल के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड किया हुआ है और डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्रोसेस ऑब्जेक्ट की मदद से उसके अंदर से एनवायरमेंटल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास इसका नेम है मोंगो यूआरएल। अभी मेरे केस में ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी जो डॉट ईएनवी की फाइल है वो एक अलग से फोल्डर के अंदर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कॉन्फिग का फोल्डर, ये टोटल पूरा रूट है हमारा। एक बार मैं बता देता हूँ, ये पूरा रूट है, रूट में हमारे पास सिर्फ एक सर्वर डॉट जे एस की फाइल है और जो डॉट ई एन वी की फाइल है वो है हमारे कॉन्फिग के अंदर। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब भी आप डॉट ई एन वी की फाइल क्रिएट करेंगे तो उसको रूट डायरेक्टरी के अंदर होना चाहिए। जैसे आपकी सर्वर डॉट जे एस की फाइल है तो सेम उसी तरीके से इस डॉट ई एन वी फाइल को भी आप क्या करें, जो भी फोल्डर में आपने एक्सीडेंटली क्रिएट कर दिए तो वहां से इसको कट करिए, कट करने के बाद उसको रूट में लाइए। सो डायरेक्टली भी आप रूट में इसको ला सकते हैं या फिर सर्वर का अगर आपके पास अलग से फोल्डर है तो मेक श्योर विद इन सर्वर फोल्डर ही आप उसको रूट में लाइए। जैसे कि हमारे केस में मेन है सर्वर, सो इसमें मैं क्या करूंगा, इसको जो है ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा आउटसाइड। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन पूछेगा मूव करने के लिए, सो इसको मूव कर दीजिए। और जैसे आप इसको मूव करेंगे उसके बाद में आपको सर्वर को रिस्टार्ट कर देना है, कंट्रोल सी प्रेस करिए तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद में इसको क्लियर कर देता हूँ सीएलएस, वापस से मैं सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ एनपीएम रन सर्वर, इतना लिख के मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं मोंगो डीबी डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका हूँ, स्टिल आपके पास में एरर आ रहा है। तो एक और प्रॉब्लम क्या हो सकती है आपके केस में, आप डॉट ई एन वी की फाइल को ओपन करिए और यहाँ पे देखिए आपका जो भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल है, हमारे केस में क्या है मोंगो यू आर एल हमने लिखा हुआ है, उसके बाद में जो भी ये कनेक्शन स्ट्रिंग है जितना भी बड़ा इसका, उसमें आपने जो है वैलिड यूजर नेम ऐड किया हुआ है या नहीं वो भी आप चेक करिए, और इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस स्ट्रिंग ऐसा कुछ ऐड तो नहीं हो गया, तो वो भी एक बार आप क्रॉस चेक करिए। मोस्टली तो डॉट ई एन वी की फाइल आप कोई ना कोई दूसरे फोल्डर में क्रिएट कर देते हैं, इसीलिए वो एरर आपको देखने मिलता है। लेकिन स्टिल फिर भी रूट डायरेक्टरी में भी ऐड करने के बाद आपके पास एरर आता है तो इस वेरिएबल को जरूर क्रॉस चेक करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जब भी आपको कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम आए, अनडिफाइंड का एरर आता है, सो मेक श्योर आप डॉट ई एन वी की फाइल को पहले शुरू चेक करें, सेकेंड उसके बाद में आपको उसका यू आर एल चेक करना है। अगर आप डॉट ई एन वी की फाइल नहीं ऐड कर रहे हैं, डायरेक्टली कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं, सो मेक श्योर इस कनेक्शन स्ट्रिंग को आप जरूर क्रॉस चेक करें, इसमें ही आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो गई होंगी। अगर आप डायरेक्टली भी पास करा रहे हैं ना यहाँ पर इस प्रोसेस वेरिएबल के बदले, डायरेक्टली भी आप कनेक्शन स्ट्रिंग पास करा सकते हैं, लेकिन वो एक सेफ मेथड नहीं है, वहां पे आपका जो है यूजर नेम और पासवर्ड एक्सपोज होता है, सो सिक्योरिटी पर्पज के लिए वो ठीक नहीं है। सो मेक श्योर आप जो है डॉट ई एन वी की फाइल बनाइए,